जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को 13वें दिन के सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया, हम केंद्र शासित प्रदेश में कभी भी चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। 29 अगस्त को हुई 12वें दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि जम्मू कश्मीर को कितने समय में दोबारा राज्य का दर्जा मिल पाएगा। इस पर मेहता ने कहा, हम इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं बता सकते, चुनाव की तारीखों को लेकर इलेक्शन कमीशन जल्द फैसला लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो राष्ट्रीय हित में जम्मू कश्मीर को दो अलग यूनियन टेरिटरी में बांटने के केंद्र के फैसले को स्वीकृति देने की इच्छुक है। कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने का कदम कितना अस्थायी है और उसे वापस राज्य का दर्जा देने के लिए क्या समय सीमा सोच रखी है, इसकी जानकारी दे। ये भी बताए कि वहां चुनाव कब कराएंगे। गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को संसद से पारित प्रस्ताव के बाद जम्मू कश्मीर राज्य दो केंद्र शासित क्षेत्रों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बट गया था। इनमें से जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 239A के तहत विधानसभा का प्रावधान है, जबकि लद्दाख में इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा की व्यवस्था होने के बावजूद अब तक चुनाव नहीं हुए हैं। कोर्ट का सवाल इसी संदर्भ में था। 2019 में केंद्र सरकार की तरफ से ये भी कहा गया था कि भविष्य में जम्मू कश्मीर को राज्य का भी दर्जा दे दिया जाएगा। कोर्ट ने इस पर भी जानकारी मांगी थी। कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा, राज्य को दो हिस्सों में बांटने का फैसला राष्ट्रीय हित से जुड़े कई मसलों के आधार पर लिया गया। उन्होंने अनुरोध किया कि संसद की तरफ से लिए गए इस फैसले में कोर्ट दखल ना दे। जहां तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सवाल है तो लद्दाख में स्थानीय संस्थाओं के चुनाव चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार इस बारे में कोर्ट को जानकारी देगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।